हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मतलब विद्युत रासायनिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है कि वो सेल जो अपनी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उन सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब जो रासायनिक ऊर्जा होती है, वो रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उन सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो यहाँ पे आपको दो सेल पढ़ने हैं, एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक है वोल्टिक सेल, या फिर जो डेनियल सेल का डेनियल सेल उसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल बताती हूँ आपको। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब विद्युत अपघटनी सेल। तो पहले इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस इस चैप्टर में सिलेबस में थी लेकिन अब नहीं है। तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन की जो प्रोसेस होती है वो इसी विद्युत अपघटनी सेल में ही कराई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही कराई जाती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कि वो सॉल्यूशन जिनको इलेक्ट्रिक करंट देने पर वो आयनों में डिसोसिएट हो जाएं। मतलब वो सॉल्यूशन जिसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो वो सॉल्यूशन जब आयन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में जब टूट जाते हैं, उन सॉल्यूशन को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उन्हीं सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन H2O भी हो सकता है, CuSO4 भी, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिक करंट देने पे विद्युत धारा प्रवाहित करने पे आयनों में टूट जाते हैं, उन्हीं सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेल डायग्राम बना दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनी सेल का ही डायग्राम है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दिया जाता है, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड दो होते हैं, कैनोड और कैथोड। तो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए और इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित की गई। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कराया गया। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो क्या है कि यहाँ पे जो आयन्स हैं, वो जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो सॉल्यूशन जो है उसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो अलग अलग टूट जाते हैं। तो जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब ब्रेक हो जाते हैं, तो जो पॉजिटिव आयन है वो अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिव आयन है मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और नेगेटिव चार्ज वाले एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये जो मूव करने की, आयनों के मूव करने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन बोलते हैं। और ये प्रोसेस जिस सेल में कराई जा रही होती है उस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ अ डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो विद्युत ऊर्जा होती है, उसका प्रयोग करते हैं केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंटेन्स आइदर द फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट और एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वो सॉल्यूशन जिनको इलेक्ट्रिक करंट देने पे वो आयन्स में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन के लेते हैं, टू मेटेलिक रॉड्स नोन एज इलेक्ट्रोड आर सस्पेंडेड इनटू इलेक्ट्रोलाइट। मतलब टू मेटेलिक रॉड, यहाँ पे एनोड और कैथोड की बात हो रही है, तो टू मेटेलिक रॉड्स लेते हैं जो जिनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उनको हम सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। वन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको हम एनोड बोलेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम कैथोड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद वेन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन द आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अट्रैक्टेड बाई अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं सॉल्यूशन में, तो जो आयन्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ
अट्रैक्ट होने लगते हैं, मतलब उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और मूव करने लगते हैं, अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और जो निगेटिवली चार्ज आयन्स होंगे वो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे सॉल्यूशन हमने ले लिया है यहाँ पे NaCl, जो इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही थी, तो वो सॉल्यूशन ले लिया NaCl। तो NaCl, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ डायग्राम छोटा सा बना के, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। सॉल्यूशन जो भरा हुआ है वो है NaCl का, और ये जो इलेक्ट्रोड हैं बैटरी से कनेक्टेड हैं। तो NaCl जो है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम देंगे, यहाँ पे एक तरफ ये एनोड है और ये एक तरफ कैथोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पे फ्लो कराएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पे क्या होगा कि जो NaCl के आयन्स हैं वो किस में ब्रेक हो जाएंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है रिएक्शन में। तो जो Na पॉजिटिव है वो कैथोड पे जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके कैथोड पे जाने लगेंगे, रिडक्शन रिएक्शन होने लगेगी, और एनोड पे जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन जो है वो कैथोड पे जाने लगेंगे, वो सॉरी एनोड पे जाने लगेंगे। तो इस तरीके से जो है एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने लगेगी, यानी कि जो Na पॉजिटिव आयन है वो किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ, और जो Cl नेगेटिव आयन है वो जाएंगे एनोड की तरफ। तो इस तरीके से जो है ये मूव करने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, यानी कि विद्युत अपघटन, और इस पूरे सेल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके बाद जो दूसरा सेल है गैल्वेनिक सेल और वोल्टियक सेल, मतलब गैल्वेनिक सेल या वोल्टियक सेल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिर्फ एक ही बीकर हुआ करता था, और एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड एक साथ लगे रहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो डिफरेंट सॉल्यूशन लेंगे, दो डिफरेंट सॉल्यूशन लेंगे बीकर में अलग अलग। एक में जैसे यहाँ पे लिया गया है ZnSO4 लिया गया है, और दूसरे में CuSO4 लिया गया है, और दोनों में ही अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाया गया है। एक 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 तरफ एनोड लगाया गया और दूसरी तरफ कैथोड लगाया। एक तरफ हमने जिंक रॉड ले लिया, एक एक तरफ हमने कॉपर की रॉड, वो भी आप देख रहे होंगे कि जिंक रॉड यहाँ पे इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे ZnSO4 सॉल्यूशन भरा हुआ है, और यहाँ पर कॉपर रॉड इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन भरा हुआ है। बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा रहता है, सॉल्ट ब्रिज जो है ये यू शेप की एक ट्यूब होती है, और इसका काम ये होता है कि ये दोनों तरफ टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कराई जाती है उसको मेंटेन रखता है। तो इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टियक सेल। तो इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन इन टू बीकर, मतलब टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे अलग अलग बीकर्स में। सेकेंड पॉइंट है, टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन बोथ द बीकर्स, मतलब जो टू इलेक्ट्रोड्स हैं उनको अलग अलग बीकर में रख दिया जाएगा। ए सॉल्ट ब्रिज इज केप्ट इन द टू बीकर्स टू सेट द सेल, सेल को मतलब सेट करने के लिए, दोनों को एक दूसरे से कनेक्टर करने के लिए बीच में ये सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, द रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इनर्जी। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। फिफ्थ पॉइंट है, द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स इज कॉल्ड एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है जिस इलेक्ट्रोड पे उसको हम एनोड कहते हैं, और यहाँ पे एनोड जो है वो एक निगेटिव पोल की तरह वर्क करता है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो है पॉजिटिव पोल की तरह वर्क कर रहा था, यहाँ पे जो है वो एक निगेटिव पोल की तरह वर्क करेगा। सिक्स्थ पॉइंट है, द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स इज कॉल्ड कैथोड, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होता है यानी कि अपचयन हो रहा होता है, वहाँ उसको बोलते हैं हम, उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम कैथोड, और ये एक पॉजिटिव पोल की तरह वर्क कर रहा होता है। सेवेंथ है, इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइग्रेट करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ।
तरफ। तो यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन होती है, यहाँ पे एनोड जो है, एनोड पे क्या है, जिंक जो है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो कॉपर है वो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन कर रहा है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। इस तरीके से जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको पहले भी चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो जिंक प्लस कॉपर, तो यहाँ पे जो जिंक के इलेक्ट्रॉन्स थे वो कॉपर ने गेन करके कॉपर बन गया, और जो जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो जिंक से जिंक आयन बनने की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन की हो गई, और कॉपर से कॉपर आयन से कॉपर बनने की जो प्रोसेस है वो रिडक्शन हो गई अपचयन की। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर था, थोड़े ही इसमें टॉपिक दिए हुए थे, तो ये कंप्लीट होता है यहीं पे। दोनों सेल मैंने आपको समझा दिए, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।